तो भाई लोग, क्या हाल चाल आपके? क्या होता है लव? देखो मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हें पता है तो मैं तुम्हारे लिए टॉप 5 ऐसी बेस्ट रोमांटिक मूवी लेकर आया हूँ जो कि तुम्हें जरूर से पसंद आएगी। एंड भाई तुम्हें ना इस मूवी को देखना है, जरूर देखना है। तुम किसी से लव करते हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर जिसने तुम्हें फ्रेंड जोन किया उसके साथ देखो, लेकिन देखो जरूर। भाई पांचवें नंबर पर जो मूवी आती है उसका नाम है क्रिस्टी। मूवी की स्टोरी है भाई एक ऐसे लड़के की जो कि पढ़ने लिखने में खास नहीं है, एंड इसी टेंशन में उसके घर वाले उसका कहीं ट्यूशन लगवा देते हैं। बट लौंडा इतना हरामी है ना कि इसको ट्यूशन वाली मैम से ही प्यार हो जाता है, प्रपोजल तक मार देता है भाई साहब। लेकिन मैम को जाना है यूएसए। अब क्या भाई ये उसे पा पाएगा नहीं, मतलब वहां तक जाने की कोशिश करता उसको पाने के लिए, या फिर इसको जूते चप्पल ही पड़ेंगे, वो जानने के लिए तुम्हें इस मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी अच्छी है, एक्टिंग अच्छी है, प्रेजेंटेशन ठीक है, लेकिन काफी सारे क्वेश्चन है मूवी में। एंडिंग भी भाई हमें खुद ही बनानी पड़ती है, एंड में हमें छोड़ देते हैं भाई। एंड मर्जी भाई तुम्हारी, देखना है तुम्हें या फिर तुम्हें मैम पर क्रश हुआ तो जरूर देखना। लिस्ट में चौथी नंबर पर जो मूवी आती है उसका नाम है जर्नी ऑफ लव 18+। भाई मूवी की स्टोरी जो है वो है एक लड़का एंड लड़की की जो कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट इनमें है फासला। लड़की जो है अपर क्लास की है भाई, उसके घर वाले पॉलिटिशियंस है, लेकिन घर वो जो लड़का है ना वो भाई थोड़ी सी निचली कास्ट से आता है। अब ये दोनों फाइनल करते हैं कि भागकर शादी करेंगे, एंड भाई ये निकल भी पड़ते हैं। एंड अब इनका प्यार कामयाब हो पाएगा नहीं या फिर कलाम हो जाएगा, वो देखने के लिए भाई तुम्हें इस मूवी को देखना पड़ेगा। एंड काफी मजा आएगा भाई, मतलब हंसी भी आएगी तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त। एंड ये जो एक्टर है नेस्लन, इसके भाई एक और मूवी आई है रिसेंटली प्रेम आलू, उसको देखकर ना अगर तुम इसके फैन बने हो तो भाई तुम्हें मूवी जरूर से पसंद आएगी ही। एंड मुझे भी ठीक लगी, एंटरटेन है भाई, लव रोमांटिक मूवी है, बढ़िया मूवी है, देख लेना, चाहे किसी के साथ भी देखना। लेकिन भाई इस मूवी से इन्फ्लुएंस होकर ऐसा कुछ रियल में ट्राई करने की कोशिश मत करना, क्योंकि भाई मूवी में जो बॉल फेंकी थी ना वो तो टूटेगी, साथ में गांड भी टूटेगी अगर ऐसा कुछ असलियत में करने की कोशिश की तो। लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है त्रिशंकु मूवी। भाई ये मूवी भी काफी मजेदार है जो तुम्हें काफी ज्यादा एंटरटेन करेगी, हंसा हंसा कर फुल ऑन पागल भी करेगी। अगेन स्टोरी के अंदर कपल है जो कि एक दूसरे से करते हैं सच्चा प्यार, बट इन्हें भी डर है कि घर वाले नहीं मानेंगे, इसलिए लोग भागने का प्लान करते हैं। लड़की तो भाग कर आ जाती है अड्डे पर, लेकिन जब लड़का भागने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है उसकी बहन भाग गई है। एंड वो भाई अड्डे पर आता है अपने घर वालों के साथ, सब एक साथ भाई लड़की की गर्लफ्रेंड, लड़का, उसके घर वाले बस में चढ़ते हैं। एंड वहां से स्टोरी शुरू हो जाती है जिसे देखकर तुम्हें काफी हंसी आएगी। अब आगे क्या होगा, जो बवाल होगा तुम्हें इस मूवी में देखने को मिलेगा। काफी यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, काफी मजेदार है, इसलिए जरूर से तुम्हें इस मूवी को देखना चाहिए, इसको मिस नहीं करना चाहिए। एक्टरों ने भी काफी बढ़िया काम किया है, एंड भाई काफी सही से मतलब इसको प्रेजेंट किया गया है। ओवरऑल बढ़िया मूवी है यार, बाकी तुम्हारी मर्जी, लेकिन हाँ देखना जरूर। दूसरे नंबर पर आती है बॉलीवुड की मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। भाई स्टोरी के अंदर है शाहिद कपूर जो कि है भाई एक रोबोट इंजीनियर जो कि अपनी मासी से मिलने अमेरिका जाता है, एंड उसे वहां पर एक लड़की से प्यार हो जाता है। वहां पर प्यार होने के बाद भाई सेक्स वगैरह भी हो जाता है, लेकिन भाई ट्विस्ट आता है कहानी में, उसे पता चलता है जिससे ना भाई उसे प्यार हुआ है वो तो एक रोबोट है, लेकिन अब प्यार का पारा कुछ ज्यादा ही ऊपर जा चुका है, अब भाई पीछे नहीं हटा जा सकता, इसलिए बात भाई शादी तक पहुंच चुकी है। अब आगे क्या होगा, एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जिससे पूरी मूवी बदल जाएगी, जो देखकर तुम्हें काफी मजा आएगा। मूवी बताती है रोबोट तो रोबोट ही होता है, जो फैमिली ड्रामा है भाई इस मूवी में, जो कॉमेडी है, जो रोंगकोंग है ना, ये मूवी काफी मजेदार है। कृति सेनन ने काफी बढ़िया काम किया है, वैसे तो शाहिद कपूर ने भी ठीक किया, बट कृति जो बोलती है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो वो हरकतें कर रही थी, उससे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि भाई ये रोबोट ही है, कि मानो टमाटर खाने पर केस कर दिया। काफी बढ़िया मूवी है, जरूर से भाई इसको वॉच करना। नंबर वन पर जो मूवी आती है उसका नाम है अड़िया। भाई ये जो ऐसी मूवी है, इसकी कहानी एक लड़के की जो कि हमेशा से रिग्रेट फील करता रहता है, डिप्रेशन में है। भाई इसको ना इस बात का रिग्रेट है कि जब बचपन में किसी को चाह करता था ना, उसको प्रपोज नहीं कर पाया इसके क्रश को, इसलिए खुद को खत्म करने की कोशिश करता ही रहता है। लेकिन एक दिन इसका एक्सीडेंट हो जाता है, एंड ये टाइम ट्रैवल कर लेता है, एंड तभी आता है ट्विस्ट। भाई अभी अपने प्यार को पा सकता है, लेकिन अगर ये आज कुछ गड़बड़ करेगा तो उससे फ्यूचर में कुछ गड़बड़ होगी। तो भाई अब ये क्या करेगा, अपने प्यार को पालेगा या फिर एज ए खाली हाथ लौटा जाएगा, वो जानने के लिए भाई तुम्हें इस मूवी को देखना पड़ेगा। काफी प्यारी मूवी है, काफी बढ़िया मतलब इसके विजुअल्स है, काफी बढ़िया एक्टिंग कर रखी है। टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट भाई ऐसे लव
रोमांटिक फिल्म मैंने पहली बार देखा है एंड इसलिए मुझे बढ़िया लगी। टाइम ट्रैवल का वैसे तो बहुत जगह कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने इसको आगे रखा है लव रोमांटिक टाइप मूवी में। मुझे भाई मूवी बढ़िया लगी एंड इसको भी जरूर देखना, अपनी क्रश के साथ जरूर से देखना है भाई इस मूवी को। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये टॉप 5 रोमांटिक लव वाली मूवी पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर से जरूर कर देना। बाय।